हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बोल, अब बोलो। हम आराम से लेटे हैं नए बेड में और ये है दूल्हा दुल्हन। हाय, चलो आज कथा हो रही है तो ये दोनों तैयार हो गए हैं। चलो कथा में। विष्णु और विष्णु हरिधरी पुनरस्तु प्रज्वलित ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः विष्णु और विष्णु हरिधरी ओम पुनरस्तु पुनान्तो ओम हरि ओम दीपम प्रज्वाल्य। आज की पूर्ति आपसे हंसते ओम करतलक बाला कुंडली दंड पाणि संगीत गलाय क्यों ये बना रही है रोटी सब्जी। मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तो बस शूट करूँ। तो फ्रेंड्स, कथा स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आप देख रहे हैं पंडित जी भी काफ़ी देर के आ गए और अभी टाइम हो रहा है शायद 4। तो ये है मम्मी पापा का नया घर। खुशबू आई कि नहीं आई? आ रही है ना? आ रही है। नहीं, वो बोल रहे ना पिंजरी चाहिए बना रही है पूजा में के लिए। मैंने बोली कि खुशबू आ जाए जरा पहले ना। आ रही लग रहा ना को तो मुझे लगी। और इस तरफ मैं खीर बना रही हूँ, मैंने चढ़ा दी है, वो अपने आप पकती रहेगी। आपके अपने चैनल पूजा सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सब रेडी हो रहे हैं, बाहर कथा स्टार्ट हो गई है और अब जाएंगे हम बाहर। इसमें तो रेडी हो रहे थे, 3 बजे आ गए थे पंडित जी, अभी बज रहे हैं 4। तो चलिए मेरे साथ। ये है पीछे ड्रेसिंग, मम्मी तैयार हो रही है। बटन खोल दे मम्मी। कहते हैं कि 1 से 30 वर्ष की अवस्था विद्या के अभ्यास की होती है, प्रथम अमार्जिता विद्या। इसलिए जितना हो पढ़ाई तो आगे भी करना चाहिए, कभी इसको रोकना नहीं चाहिए, चाहे बड़े भी हो गए नौकरी भी। और जैसे जैसे टाइम स्टार्ट हो रहा है वैसे ठंडी बढ़ गई है, ठंडी होने लगी तो मैंने हीटर ऑन कर दिया है और यहाँ पे सब बैठे हैं। ये थोड़े बहुत पड़ोसी हैं नए, वही बैठे हैं। और काफ़ी देर से मैं डुगी को ढूंढ रही हूँ, मुझे डुगी नहीं मिल रहा है, तो मैं अंदर देखने जा रही हूँ आखिर ये कर क्या रहा है अंदर। यहाँ बहुत स्पेशल है, यहाँ पे धो ना। हाँ, पे धो लूंगा। तो मैं आगे लिविंग एरिया में और वहीं पे हमारा मंदिर भी है। तो हवन स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद होगी आरती और उसके बाद कथा समाप्त। तो कथा चल रही है,
और साइड में खाना भी बन रहा है। कैसा होना चाहिए हमारा गृहस्थ, सारंगम सदनम सुतत सुतया कांता प्रिया आलापनी। गृहस्थ में ठंड काफी हो रही है, यदि घर को बसाना है तो हीटर लगा है, यदि घर की आवश्यकता सदन की रूम हीटर छुपाने की, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। एक तो नया घर है और ठंड का मौसम भी है। ये भाई का रूम अभी तो सारा मतलब अच्छे से हमने सेट नहीं किया है क्योंकि दो दिन पहले ही शिफ्टिंग स्टार्ट करी है, लेकिन मैं फिर भी आपको मोटा मोटा दिखा रही हूँ। हाँ बेटे, तो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पूरे में फॉल्स सीलिंग हुई है। अब मैं एक एक आपको बंद करके दिखाऊंगी वरना लुक नहीं आएगा। ये फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, बाकी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये जो डोर देख रहे हैं ये बाथरूम है अटैच, और ये जो इतना सारा एरिया है ये एरिया अभी सूखा नहीं है, इसकी वॉल सारी गीली है, और यहाँ पे बनेगा पूरे में वॉक इन वार्डरोब। तो अभी फर्नीचर का काम इसीलिए रुका है क्योंकि पूरा गीला है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और बन रहे हैं छोले, मम्मी बना रही हैं, खीर मैं बना चुकी हूँ, और पुलाव बनेगा अभी, वो गरम गरम बनेगा, और उसके साथ बनेगी एक मिक्स वेज, सब्जी कट रही है और चाय बन रही है, आटा भी रेडी है। तो होगा अब हमारा कथा के बाद डिनर। तो ये वेब कैम है और ये मेरे भाई ने दीपू को दिया था एंगेजमेंट में गिफ्ट। दीपू ने आज वाली का अभी दबाना नहीं कुछ भी करना बेटू, अभी
मारे फोसा इसको निकालो ना, इसमें अरे सांस तो लेने भाई, इसमें लेगा कि नहीं लेगा भाई, अच्छी तो कीजिए यार, अपने आप किसी को किसी ने नहीं बताया कैसे क्या, अच्छी तो कीजिए, ये खुलेगा इसको दबाने से, देखिए हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता क्या खुलेगा, बेटे तुमको किसने सिखाया, बेटू एक एक फोटो खींच आते छोड़ देगा क्या मामा, दोनों की खींच दे राजा, वहाँ मत दबाना, ये यहाँ से खींचते हैं ऐसे, क्या देख रहा है, सब खींच रखे, सब पता है, बोला था ना वेस्ट नहीं करना, बोला था ना नहीं खींचना, ऐसे पकड़ना होता है, अभी मत खींचना, क्यों दबाया तुमने बेटू, मामी ने दबाया, डैडी ने दबाया, चुप, दबा उन दोनों की खींच, अच्छी फोटो खींचना, रुक जा, बस बाहर बजा चल रहा है, लो तो तुम लो ना, खाना खत्म हो गई है, भजन भी हो गए हैं और प्रसाद बट रहा है, तो मैं करूंगी अब वीडियो को यही एंड, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक